हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ में थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लक्ष्मण कॉलोनी और जेसीबी के सामने संजय कॉलोनी के यहां रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से यूटर्न की मंजूरी के लिए फाइल रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों के पास भेजी गई है। रेलवे विभाग से मंजूरी आने के बाद दोनों यूटर्न पर काम शुरू कर दिया जाएगा। कल मीटिंग ली है नेशनल हाईवे की और यूटर्न हम बनाएंगे एक जेसीबी से संजय कॉलोनी और मंडी से लेकर लक्ष्मण कॉलोनी से लेकर बस स्टैंड तरफ और थ्री लाइन का रोड बनाएंगे, जिससे आने जाने वाले पे कोई परेशानी नहीं रहेगी और बल्लौट के रास्ते सुगम होंगे और कोई मंडी में आने कोई किसान फसल लेके आना चाहता है उसकी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। जाम की स्थिति ज़्यादा बनी रहती है यूटर्न ना होने की वजह से? नहीं, जाम की स्थिति धीरे धीरे खुलेगी। एलिवेटेड पुल की भी हम तैयारी कर रहे हैं, आने वाले जुलाई में एलिवेटेड पुल की भी शुरुआत करने वाले हैं। उससे एलिवेटेड से भी राहत मिलेगी, गुड़गामा जो हमारा बाईपास उससे भी राहत मिलेगी। आने वाले समय में जो बड़ोदरा एक्सप्रेस बनना है, जहाँ पास ट्रैफिक चल नहीं पा रहा, वहाँ भी जल्दी राहत मिलेगी, क्योंकि उसे बनने के बाद हाईवे की स्थिति ठीक होगी। प्रयासों से, माननीय मूलचंद शर्मा जी के प्रयासों से ये तय हो चुका है, इसका पास हो गया, ये यूटर्न मंडी के यहाँ से पास हो गया है। नीचे से आदमी का निकल सकेंगे और एक्सीडेंट भी नहीं होंगे और सारा बहुत जल्दी होने जा रहा है काम शुरू। कितना फायदा होगा, क्योंकि पहले एक्सीडेंट काफी हुआ गया? आम जन को बहुत फायदा होगा, इससे एक्सीडेंट बचेंगे, आदमी का समय बचेगा, क्योंकि अब एक ही कट है, जेसीबी एक ही कट से आगे आना पड़ता है, यहीं यूटर्न हो जाएगा तो लोगों का समय भी बचेगा और लोग।